बख्शो दोष हमारे, हम सतगुरु दास तुम्हारे, हम सतगुरु दास तुम्हारे। हे गुरु जी बख्शो दोष हमारे, हम सतगुरु दास तुम्हारे, हम सतगुरु दास तुम्हारे। ये आज हमारी प्रिय रानी को क्या हो गया जो अपनी आंखों से ये इतने कीमती आंसू गिरा दिए? बोलो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा या तुम्हें कोई तकलीफ है? बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कुछ बोलोगी तभी मैं जान पाऊंगा, बताओ ना। कैसे बताऊं, कहां से शुरू करूं? कहना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, सोचती हूं बताऊं या ना बताऊं। मन डरता है कहीं आपको मेरी बताई हुई बात पर यकीन ना हुआ तो। ये तुमने क्या बताऊं ना बताऊं की रट लगा रखी, जो कुछ कहना चाहती हो बेधड़क होकर कहो। मैं तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकता, अब जल्दी बताओ। स्वामी आप गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं मेरी जान, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो मेरी दिल की धड़कन हो। तुम निश्चिंत होकर कहो जो कहना चाहती हो। तो सुनो महाराज, आधी रात को जाती निकल काम का नशा।
सब किसने बताया और तुमने यकीन कैसे किया कि राजमाता ऐसा कर सकती है? स्वामी, मैं तो बताने से पहले ही इनकार कर रही थी, लेकिन तुमने ही कहा था कि निश्चिंत होकर कह दूं। पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन काफी दिन जासूसी करने के बाद यकीन आया, तो आज आपको बता दिया। आप रात को खुद ही देख लेना माता जी कहां जाती हैं। राजमाता सबके सो जाने के बाद महल से निकलेंगी और सीधी जालंधर नाथ के डेरे पर पहुंचेंगी। महल में तो सभी दास दासियों को इस बात का पता है, लेकिन आपके डर से आपको बताने की हिम्मत नहीं करता कोई भी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ स्वामी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है कि राजा को दीक्षा के बहाने राजपाट छुड़वाकर दूर भगा दें और हम मिलकर राज्य का सुख आनंद लूटें। मेरे रोने का यही तो कारण था। मेरी बात सच है या झूठ, आप जैसे चाहें इसकी जांच करवा सकते हैं। अच्छा रानी, अगर ये बात है तो आज मैं खुद ही देखता हूँ। रानी, तुम सच ही कह रही थी। शायद माताजी जालंधर नाथ के बनाए झूठे जाल में फंस गई है और वही मुझे सन्यासी बनने की सलाह दे रहा है। अमर कराना तो एक बहाना है, बहाना। हाँ स्वामी, अब तो मान लिया ना आपने कि मैंने सच ही कहा था। हाँ प्रिये,
तुम तो हमेशा ही सच कहती हो। मुझे भी पक्का यकीन हो गया कि वह पाखंडी बाबा है और माता जी को उसने अपने बहकाव में ले लिया है। मैं उसे गहरे खड्डे में दबवा दूंगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, और वो भविष्य में किसी को अपने जाल में फंसाने लायक नहीं रहेगा और ना ही किसी को अमर करने का लालच दे पाएगा। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा राजमाता के दर्शन भी नहीं कर पाएगा। मंत्री जी। जी महाराज। हमारे नगर में जो जालंधरनाथ योगी आया हुआ है वह महाधूर्त है। मैंने उसे उसकी धूर्तता का दंड देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त रूप से एक गहरा खड़ा खुदवाकर और उस धूर्त को उसमें पटक कर ऊपर से घोड़ों की लीद भरवाकर खड़े में दबवा दो। जो आज्ञा महाराज। और सुनो। जी महाराज। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि योगी जालंधरनाथ रातों रात कहाँ चले गए, उनके साथ क्या हुआ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। इस तरह राजा गोपीचंद अपनी रानी के त्रिया जाल में फंसकर अपनी सुध बुध खो बैठे और अपने एक मंत्री को बुलाकर गुप्त रूप से खड़ा खोदने का और जालंधरनाथ को खड़े में दबाने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा गोपीचंद की आज्ञा के अनुसार मंत्री ने कर्मचारियों को साथ ले जाकर योगी की कुटिया के नजदीक कुएं की तरह एक गहरा खड्डा खुदवाया। जालंधरनाथ उस समय समाधि लगाए उपासना कर रहे थे। मंत्री ने उन्हें उसी अवस्था में उठवाकर खड्डे में रखवा दिया और कूड़े कचरे तथा घोड़ों की लीद से खड़े को अटवा दिया। योगी को अपने सिर पर अधर वाले गट्ठर होने के कारण कुछ भी पता नहीं चला। पूरे कचरे का सारा भार गट्ठर के ऊपर ही रहा। जालंधरनाथ तो अपने सांवर मंत्रों की सिद्धि में इस प्रकार लगे रहे जैसे कि सारा कार्य उनकी इच्छानुसार ही एकांत में भजन करने के लिए हुआ हो। उधर जालंधरनाथ के शिष्य कनीफा नाथ को गोरखनाथ ने सारा हाल बता दिया कि तुम्हारा गुरु हेलापटन गोपीचंद की कैद में है, जाकर छुड़वा लो। कनीफा नाथ ये खबर सुनते ही राजा गोपीचंद की नगरी हेलनपटन की तरफ चल पड़ा। आगे देखिए क्या हुआ। मेरे गुरु को गोपीचंद ने कैद कैसे किया? मेरे गुरु के अंदर तो इतनी शक्ति है कि उनके एक मंत्र से सारी नगरी भस्म हो सकती है। फिर गुरुजी अब तक गड्ढे में क्यों हैं? कोई तो कारण है जो उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे स्वयं ही गोपीचंद राजा से मिलना चाहिए, तभी कुछ पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। माता जी को न जाने क्या बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ तो चिंता है जो उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। आज जाकर उनके दिल का हाल तो जान लूं। माता, माता। हाँ बेटा। सो गई थी क्या माँ? नहीं बेटा, कैसी नींद। जिसकी आत्मा की शांति और मन का चैन खो गया हो वो भला कैसे सो सकती है। माता, भला ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? मेरे लाडले बेटे, मैं तुम्हें चिरंजीवी कराना चाहती थी और इतने पहुंचे हुए संत अपनी नगरी में आए
और तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना ही बिना किसी को कुछ बताए यहां से चले गए। बस मुझे इसी बात का गम है और शायद यही मेरी बीमारी का कारण है। माता, तुम भी साधु संतों के चक्कर में पड़ गई। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो लोग घर घर जाकर भिक्षा मांगकर पेट भरते हों, वो भला किसी को अमर कैसे कर सकते हैं। लगता है तुम्हें उस योगी ने अपनी माया जाल में फंसा ही लिया है, इसलिए आप इतना गुणगान कर रही हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे अमर रहने का वरदान देकर गए हैं। मैं मरूंगी नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तुमने भी दीक्षा ले ली होती तो तुम भी आज अमर हो जाते। उन्हें तो भगवान का अवतार समझना चाहिए बेटा। उनकी कृपा से तो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, और उनके गुणगान के बारे में मैं तुम्हें जितना बताऊंगी उतना कम है। माँ, यह घर घर मांगने वाले ढोंगी संत आप जैसी भोली नारियों को अपनी माया जाल में फंसाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं।
समझ में नहीं आता, माताजी जिसे इतना तेजस्वी और तपस्वी मानती है तो वह अब तक खड़े में क्यों? उसके पास इतनी ब्रह्म शक्ति होती तो क्या मलमूत्र के खड़े में कैद होकर मर जाता? करामाती योगी होता तो मंत्र शक्ति से पल भर में बाहर नहीं निकल आता। माता जी की बातों में सच्चाई तो नहीं दिखती, लगता है रानी ही सच कह रही थी। लेकिन माता जी इतने दिनों से बीमार है, फिर भी इनके चेहरे पर तेज नजर आता है। कहीं माता जी सच कह रही हूं और मैंने रानी के बहकावे में आकर अनर्थ करवा दिया हो? क्या सोच रहे हो बेटा? अब सोचने विचारने का कोई फायदा नहीं। अब तो मेरे गुरुजी ही नगरी छोड़कर न जाने कहां चले गए, अब कैसी चिंता करनी। जो होना है वही होगा। अब तो कहीं मैंने शक में अंधा होकर अपराध तो नहीं कर दिया? और यदि अपराध किया है तो प्रायश्चित कैसे करूंगा? बेटा अब भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, और कोई योगी बाबा आए तो उससे दीक्षा लेना मत भूलना। ठीक है माता, अब कोई नाथपंथी योगी इधर से आएगा तो मैं जरूर दीक्षा ले लूंगा। ठीक है बेटा। बाबा क्या बात है, आप किससे मिलना चाहते हो? द्वारपाल मेरा रास्ता मत रोको, हट जाओ आगे से। बाबा आपको मिलना किससे है, कुछ बताओ तो सही, मैं आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे राजा गोपीचंद से मिलना चाहता हूँ। बाबा आप बैठिए, मैं महाराज को सूचित करता हूँ। आप अपना नाम बता दो। हम यहाँ बैठने नहीं आए, तुम अपने राजा को बुलाओ और कहो कनिफा नाथ मिलना चाहते हैं, हम यहीं उनका इंतजार करते हैं। महाराज की जय हो, आपसे एक संत कनिफा नाथ मिलना चाहते हैं। क्या बताया तूने, कनिफानाथ और अपने भवन में पधारे हैं, कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बेटा जल्दी से मुझे नाथ जी के पास ले चल, कहाँ पे हैं चलो जल्दी से। हाँ माता चलो, आप भी दर्शन कर लेना। साधु महाराज। प्रणाम महाराज। राजा गोपी चंद। क्या बात है साधु बाबा, तूने मेरे गुरुजी का अपमान किया है, बोलो कहाँ है मेरे गुरुदेव? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, भला मेरा पुत्र आपके गुरुदेव का अपमान क्यों करेगा? शांत हो जाओ बाबा, शांत हो जाओ। माई आपको कुछ नहीं पता तो बीच में मत बोलो। राजा गोपीचंद मुझे जवाब दो, कहाँ है मेरे गुरुदेव? बाबा मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं आपके गुरुदेव को जानता ही नहीं तो भला फिर उन्हें छिपाने का तो कोई मतलब ही नहीं। राजा गोपीचंद मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये क्या कर रहे हो बाबा, धीरज रखो, गुस्सा मनुष्य की बुद्धि को खा जाता है। फिर आप तो योगी हैं, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरा विश्वास करें। खामोश हो जा माई, मैं सारी जानकारी हासिल करके ही यहाँ आया हूँ। तुम ये तो भला मनाओ कि मेरे गुरु ने तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी इस नगरी को भस्म नहीं किया। तुम नहीं जानती मेरे गुरु पहुँचे हुए सिद्ध योगी है, वो बरसों पहले इस नगरी में आए थे,
लेकिन तुम्हारे पुत्र ने उसे कैद कर रखा है। मेरे पुत्र ने? तुम किस बाबा की बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारे गुरुदेव का? मेरे गुरु जालंधर नाथ हैं। हैं? क्या कहा, गुरु जालंधर नाथ? हाँ। उनको तो मैंने भी अपना गुरु माना है। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं उलझना चाहता। मेरे गुरुजी किसी स्त्री को दीक्षा नहीं दे सकते। मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी का पता बता दो, वो कहाँ छिपा रखे हैं तुमने? बाबा, मेरे बेटे ने कहीं नहीं छुपाया। हाँ, ये बात सच है कि मेरा और तुम्हारा गुरु एक ही है। वो आज से 12 साल पहले इस नगरी में पधारे थे, लेकिन एक रात अचानक बिना किसी को बताए न जाने कहाँ चले गए। उन्होंने मेरी बहुत परीक्षाएं ली और बहुत सारी कड़ी परीक्षाओं के बाद ही बहुत मुश्किल से मुझे दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर अमर रहने का वरदान भी दिया था, लेकिन उस दिन के बाद आज तक दोबारा मुझे दर्शन नहीं हुए उनके। तो आपने भी अपने गुरु की खोज खबर नहीं ली और न ही कहीं तलाश किया? मैं कहाँ तलाश करती, वो तो मुझे बिना बताए ही चले गए। मैं तो उनसे अपने बेटे को भी अमर कराना चाहती थी, लेकिन मेरी ये इच्छा तो मेरे मन में ही रह गई। चलो, मैंने मान लिया, तुम ठीक कहती हो बहन मैनावंती। आपके और मेरे गुरु जालंधरनाथ जी हैं, परंतु वह अब भी तुम्हारे राज्य की सीमा में ही हैं। तब भी तुमने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली और मैं इतनी दूर से उनकी खोज में यहाँ तक आया हूँ। नहीं गुरु भाई, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो इस नगरी में होते तो मुझसे अवश्य मिलते। यहाँ तो सभी यही कहते हैं कि बाबा बिना ही बताए पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं बहन, वो अपनी इच्छा से कहीं नहीं गए, बल्कि तुम्हारे बेटे ने उन्हें कहीं जमीन में दबवा कर रखा है। नहीं गुरु भाई, तुम मेरे पुत्र पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, तुम खुद ही अपने पुत्र से पूछ कर देख लो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने, कुछ भी करया न ख्याल माई गोपी चंद ने। कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने। कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने, कुछ भी करया न ख्याल माई गोपी चंद ने। मीठी बोले मतना मेरी छाती ने छोले मतना, मीठी मीठी बोले मतना मेरी छाती ने छोले मतना। क्या तुझको ये नहीं पता है गोपी चंद ने करी खता है। हो गए 12 साल माई गोपी चंद ने, कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने। गुरु जालंधर पीर हमारा गोपी चंद तेरा लाल छुपारा, गुरु जालंधर पीर हमारा गोपी चंद तेरा लाल छुपारा। ऐसा ऐसा जुल्म कमावे राज नष्ट तेरा कुल हो जावे। ये खड्डे में डाल माई गोपी चंद ने, कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने।
संतों से बैर लगावे, वो प्राणी जड़ मूल तजावे। जो संतों से बैर लगावे वो प्राणी जड़ मूल तजावे। इस जालिम ने जुल्म गुजारे, पूछ कहां गुरु देव हमारे। करा बुलाया काल माई गोपी चंद ने, कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने। चंद्रभान का ज्ञान खर्या से, संतों का अपमान करया से। चंद्रभान का ज्ञान खर्या से, संतों का अपमान करया से। सजा पाप की जरूर मिलेगी, अगली पीढ़ी नहीं फड़ेगी। कह रहे कृष्ण लाल माई गोपी चंद ने, कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने। कुछ भी करया न ख्याल माई गोपी चंद ने, कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने। कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने, कुछ भी करया न ख्याल माई गोपी चंद ने। कर दिया जुल्म कमाल माई गोपी चंद ने, माई गोपी चंद ने, माई गोपी चंद ने। बेटा, किसी कारणवश यदि तुमसे भूल हुई है तो बता क्यों नहीं देता? बता बेटा, सब साफ साफ बता दे। देख, संत लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। यदि तूने गलती की है तो बेटा क्षमा याचना कर और सच सच बता बेटा, कहाँ है हमारे गुरुदेव? बोलो बेटा, तूने ये क्या अनिष्ट कर डाला? बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू एक बार मेरे गुरु का पता बता दे, तूने कहाँ छुपाया है? बेटा, अपनी माँ का मान रख ले और सच सच बता दे। माता, मुझ पर यकीन करो, मैं नहीं जानता। राजन, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुम्हें कोई श्राप दूं। तू हमारी गुरु बहन का बेटा है, इसलिए मैं नरमी से पूछ रहा हूं। तुम क्या सोचते हो, हमारे गुरु में ब्रह्म तेज नहीं है? वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन कोई मजबूरी है जो तुम्हारी छिपाई गई जगह पर आज तक छिपे बैठे हैं। गुरु भाई, शांत हो जाओ। मेरे पुत्र ने जो गलती की है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और क्षमा याचना करती हूँ। मेरे पुत्र को श्राप मत देना गुरु भाई, मैं तो इसे अमर कराना चाहती थी, लेकिन इस अधर्मी ने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा तूने? अब भी बता दे बेटा, कहाँ है हमारे गुरुजी? वो तुझे जरूर माफ कर देंगे। हाँ गोपीचंद, हम तुम्हें गुरुजी के प्रकोप से भी बचा लेंगे, बस हमें ठिकाना बता दो कहाँ है। मैं इतने सालों से गुरुदेव को न जाने कहां कहां ढूंढ कर आया हूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। आखिर पुत्र, हमारे गुरु ने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो तूने उन्हें छुपा कर रखना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी? मुझे माफ कर दो माता जी, मैंने आपके चरित्र पर शक करके आपके गुरु जालंधर नाथ को एक खड्डे में गड़वा दिया ताकि आप उससे मिलने न जा सको। आपका रात को बाबा के पास जाना मैंने गलत समझकर इतना बड़ा अपराध कर बैठा। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी मुझे माफ कर दो। ओहो, तूने क्या किया? गुरुजी, मुझ पर दया करना। दया? और तुम पर माफी मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही?
सो दोष हमारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। हे गुरु जी बख्शो दोष हमारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। सेवक हैं मूर्ख खल कामी, गुरु तुम योगी हो अंतर्यामी, हम सेवक मूर्ख खल कामी। काम क्रोध मद लोभ तृष्णा मोहने फंदे डारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। बच्चे पे ये गलती हो गई, भूल की माफी तो मिलती होगी। इस बच्चे पे ये गलती हो गई, भूल की माफी तो मिलती होगी। तेरे चरण की शरण पड़ा सू खोट ओट के सारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। यो करसन शर्मा सत्संग रंग में रंग जावेगा, यो करसन शर्मा तेरे गुण गावेगा, सत्संग रंग में रंग जावेगा। गुण गावेगा रंग जावेगा, लावेगा जयकारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। हे गुरु जी बख्शो दोष हमारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। हे गुरु जी बख्शो दोष हमारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे, हम सतगुरुदास तुम्हारे। बेटा तूने तो मेरी कोख को ही कलंकित कर दिया। ऐसा करने से पहले एक बार अपनी माँ से तो पूछ लेता। बेटा माँ अपने बच्चे को बोलना चलना
और दुनियादारी में रहन सहन का तरीका सिखाती है, और तू अपनी ही जन्नी पर शक कर बैठा। अब क्या होगा? मेरे गुरुजी को बिना बात के इतनी बड़ी सजा मिली है। बेटा, उसके गुस्से से तुझ नादान को मैं कैसे बचा पाऊंगी अब? हे बहन, इतना मत घबराओ। अपने गुरुजी ने तो सैकड़ों लोगों को अमर होने का वरदान दिया है। वे तो स्वयं तपधारी और तेजस्वी हैं कि आम आदमी तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। वे जहां भी हैं वहां आराम से अपनी भक्ति में लीन होंगे। बस मैं शीघ्र ही गुरुजी के पास जाना चाहता हूं। लेकिन गुरु भाई, मेरे इस पापी और अधर्मी नास्तिक बेटे ने जो पाप किया है उसकी माफी कैसे दिलवाओगे गुरुजी से? बहन, यदि तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो क्या तुम उसे माफ कर देती? इसने गुरुजी का घोर अपमान किया है। इन्हें दबाने के लिए इसने गधे की लीद और कूड़ा करकट भरवाया। इसकी हैवानियत तो देखो बहन, क्या इसके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं? ये तो इंसान के भेष में हैवान है और तुम कहती हो इसे माफ कर दे? बहन, बुरा मत मानना, तुम्हारा बेटा माफी के लायक नहीं है। बहन, कुकर्म तो तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है कि जी में आता है इसके राजपाट को ही भस्म कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा बेटा होने के कारण मैं कोई बुरा कथन भी नहीं कह सकता। गुरु भाई, क्षमा प्रदान करना, मेरा भी इकलौता बेटा है और क्षमा करना तो संतों की शान है। लेकिन बहन, गुरुजी की खामोशी को देखकर मुझे तुम्हारे पुत्र के साथ होने वाले अनिष्ट की भी चिंता है, क्योंकि उन जैसे तपस्वी को कोई छिपा कर नहीं रख सकता। अगर वो छिपे हैं तो अब कुछ भी बुरा हो सकता है तुम्हारे पुत्र के साथ। नहीं नहीं गुरु भाई, मेरे दयालु गुरु भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और अपनी झोली फैलाती हूँ भाई। किसी भी तरह गुरुजी के क्रोध से मेरे पुत्र को बचा लेना। गुरु भाई, कोई भी उपाय सोचो, नहीं तो मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। इसकी 12 रानियां और 16 कन्याओं का क्या होगा? भाई, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इसको बचाने के लिए कुछ भी करो गुरु भाई, कुछ भी करो, नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पुत्र को बचाने की कोशिश करूंगा बहन, लेकिन पहले गोपीचंद, अब बिना देर किए मुझे वहां ले चल जहां तूने गुरुजी को दबा रखा है। गोपीचंद, जल्दी से मुझे वहां ले चलो। चलो गुरुदेव।